नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। उपच्छाया चंद्र ग्रहण, जी हां, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का आप पर अच्छा या बुरा असर जरूर होता है। साल का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसा होगा, इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि क्या होगी, हमारे साथ जानेंगे। हम मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। साल का पहला चंद्र ग्रहण है, मन में कई सारे सवाल हैं इस चंद्र ग्रहण को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे आखिर समय क्या कुछ है इस ग्रहण का। जी बिल्कुल, चंद्र ग्रहण का जो समय दिया गया है पंचांग के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वह चंद्र ग्रहण का समय रात्रि 10:38 से प्रारंभ हो रहा है और फिर मध्य रात्रि यानी 10 तारीख को शुरू होगा, लेकिन 11 तारीख को अगले दिन 2:42 तक का समय है, समाप्ति काल इसका ग्रहण का है। इसकी ये पूरा प्रभाव जो ग्रहण का रहेगा वो यही रहेगा। इस बीच में इस ग्रहण का जो नाम रखा गया है उपछाया चंद्र ग्रहण, तो जो पूरा प्रभाव रहेगा वो इसी बीच में रहेगा, इसी टाइम पे रहेगा। तो अगर सावधानियों को देखा जाए और धार्मिक मान्यताओं को देखा जाए उसके अनुसार इसी बीच में जो भी है करना चाहिए। साथ में सूतक का अगर महत्व होता है, सूतक जब भी ग्रहण लगता है ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, यानी 1:38 से दोपहर में सूतक प्रारंभ हो जाएगा, हो गया है। तो इस बीच में जो है विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि सूतक के मध्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं करनी होती हैं, लेकिन उपछाया चंद्र ग्रहण है, एक होती है ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, छाया चंद्र ग्रहण होता है, फिर इससे भी जो ऊपर होता है वो होता है उपछाया। उपछाया का मतलब होता है अगर हम परसेंटेज को देखें या कहा जाए तो 5-7% के आसपास ये छाया रहेगी, यानी इसका मतलब ये होता है कि कोई विशेष प्रभाव इस चंद्र ग्रहण में नहीं रहने वाला है। अगर ये कहा जाए कि भाई पूजा पाठ करें या कि ना करें, मंदिर जाएं या ना जाएं, या मंदिर के कपाट बंद करें या ना करें, तो इसमें मैं आपको यही कहूंगा कि इस चंद्र ग्रहण में कोई विशेष डरने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी ग्रहण ग्रहण ही होता है। बिल्कुल, धरती पर इस ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रहण तो ग्रहण ही होता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर किन किन बातों का विशेष ध्यान हमें देना होगा। जी बिल्कुल, जैसे ग्रहण तो ग्रहण ही होता है, तो जिन जिन बातों का ध्यान देना होता है विशेष जरूरी है, उसके अनुसार आपको अगर मान लिया कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और चंद्रमा पर ग्रहण है, तो इस ग्रहण के मुख्य अवधि पर यानी जो रात को ग्रहण लग रहा है 10:38 से, इसके बाद आप कोई विशेष सिद्धि करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, किसी विशेष यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, और इसमें ध्यान देने वाली बातें विशेष कि कोई अगर मंत्र को जगाना चाहते हैं या कोई विशेष कोई काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा धर्म कर्म करना है या किसी कुछ लेन देन का करना है, तो इस उपछाया चंद्र ग्रहण में बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव होता है, बहुत अच्छा इसका महत्व होता है, तो इस बीच में आप कर सकते हैं इन सब कामों को। जी एक चीज़ और आचार्य जी आपसे जानना चाहूँगी मैं कि इसका नाम उपछाया क्यों दिया गया है, क्या कुछ कहानी है इसकी? हाँ, कहानी तो उपछाया के माध्यम से ये है, जैसे कि मतलब अगर इसको दृष्टि देखा जाए, ग्रही भगवान सूर्य के यानी भगवान परब्रह्म परमात्मा के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कि सूर्य ग्रहण के रूप में और चंद्र ग्रहण के रूप में अक्सर आप देखते हैं। तो चंद्र ग्रहण में जब भी देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ, ये संग्राम के बाद अमृत कलश की उत्पत्ति होती है और अमृत कलश में ही दोनों का विवाद दोबारा से फिर शुरू होता है देवताओं दानवों का, और दानवों ने देवताओं से एक अमृत कलश छीन लिया है, और छीनने के बाद में जब युद्ध होता है भगवान नारायण मोहिनी के रूप में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं और रूप मोहिनी का अमृत राक्षसों को पिला रहे हैं और जो कलश का अमृत है वो देवताओं को भगवान पिला रहे हैं। इसमें राक्षसों का एक दानवों का एक गढ़ था जिसका नाम था स्वर भानु नाम का जो राक्षस है दानव है, वो ये चालाकी देख लेता है तो उठ करके और देवताओं की पंक्ति में चुपके से बैठ जाता है, लेकिन ये दृश्य सूर्य और चंद्रमा बड़े प्रेम से देख रहे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन देखते देखते जब ये देखा उन्होंने कि दानव देवताओं की पंक्ति में बैठ गया है और दानवों की बुद्धि यानी राक्षसी बुद्धि है, और अगर उसने अमृत पी लिया, प्राप्त कर लिया, तो वो वैसा ही कार्य करेगा जैसी उसकी बुद्धि होती है, उसकी सोच है। तो इसी के अनुसार जब उन्होंने ये निगरानी पर लगाए गए थे, जब उन्होंने देखा तो भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु आपने हमें जिस लिए दृष्टि के देखने के लिए कहा है, तो महाराज हम देख रहे हैं, चंद्रमा ने ये भी बात कही, सूर्य भगवान ने भी बात कही कि वो एक राक्षस बैठकर के अमृत पी रहा है, आप पिला रहे हैं उसको। तुरंत यहाँ पर आप दृष्टिपात किया था, यानी चंद्रमा की अंश है, भाई हर आदमी अपने आँखों को पहले खोलता है, धीरे थोड़ी खुलती हैं, फिर पूरी खुलती हैं, तो ऐसे ही ग्रहण पर छाया उपछाया और संपूर्ण ग्रहण, तो चंद्रमा ने हल्की दृष्टि से उसमें जो बताया था उसको इशारा किया था, उसी रूप में ये उपछाया का पूरा
प्रभाव है और इसीलिए इसको उपछाया का नाम दिया गया है। तो इस तुरंत भगवान अपने रूप में आते हैं और रूप में आने के बाद में चतुर्भुज रूप में आए, सुदर्शन चक्र को छोड़ा और उस दानव का स्वर भानु नाम के राक्षस का भगवान ने वध कर दिया। और वध होता है तो उसका ऊपर वाला भाग राहु के रूप में हुआ, यानी सिर जो है राहु के रूप में हुआ, और धड़ जो था यानी गले से नीचे का पूरा भाग केतु के रूप में हुआ। इसीलिए राहु में विचार शक्ति होती है, सोचता है, बोलता भी है, सुनता भी है। केतु में ये गुण नहीं होते, केतु सिर्फ कर सकता है लेकिन दृष्टि नहीं होता, दृष्टिहीन होता है, दृष्टि नहीं है, ना कान है ना सुन सकता है, ना वाणी है ना बोल सकता है। तो अच्छा, अब राहु है तो उसके अंदर भाई वाणी है, तो अब राक्षस प्रजाति का है, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो बोलेगा भी वैसे ही बोलेगा, उल्टी भाषा होगी, टेढ़ी भाषा होगी। इसीलिए कहते हैं जब किसी के जन्म कुंडली में राहु द्वितीय भाव में बैठा होता है तो वहाँ कहते हैं भाई वाणी तीखी होगी। तो ये सब उपछाया का जो पूरा प्रभाव है वो यही प्रभाव है कि चंद्रमा ने हल्की आंखों से जो उसको देखा और इशारा किया, उस इशारे को भगवान समझ गए और इस इशारे को राहु भी समझ गया, इस इशारे को कि जो है स्वर भानु नाम का जो राक्षस था वो समझ गया कि जिन्होंने चंद्रमा और सूर्य ने इशारे किए हैं। इसीलिए उपछाया का नाम जो पिछला पड़ा और तभी से ये नाम पड़ा हुआ है और इस ग्रहण में तभी से विशेष रूप से मान्यता इसको दी गई है। जी, जैसा कि आपने अवधि बताया आचार्य जी ग्रहण का कि 10:38 से 2:45 तक ये पूरा ग्रहण रहने वाला है, इस दौरान हमें कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे इस ग्रहण का कोई असर हम पर ना हो? हाँ, इस पर सावधानियाँ हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि ग्रहण तो ग्रहण ही होता है, चाहे थोड़ा हो या भाई कहते हैं जहर चाहे 1 लीटर पिया जाए, चाहे 2 बूंद पिया जाए, वो काम अपना उतना ही करेगा। अब ज्योतिष शास्त्रों में कई जगह संत महात्मा या बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कोई विशेष प्रभाव नहीं है, कोई ध्यान देने वाली बातें नहीं है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप फिर भी अगर जो गर्भवती महिलाएँ हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हैं या कोई विशेष कोई काम करना है, कोई विशेष निर्णय लेना है आपको, आप भारत में हैं या भारत से बाहर हैं, कहीं भी हैं आप, ग्रहण चंद्रमा पर लगा हुआ है तो प्रकृति का जो चलायमान शक्ति होती है वो सूर्य और चंद्रमा और ज्योतिष ही हैं, ग्रह ही गोचर ही हैं, उनके माध्यम से ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, ग्रहों के अधीन संसार चल रहा है, बेशक आंशिक क्यों ना हो लेकिन ग्रहण तो ग्रहण ही है। इसलिए ग्रहण के माध्यम से और ग्रहण का जो मध्य भाग है, मध्य समय है, उस समय में आप कोई भी ऐसा काम ना करें, महिलाओं को तो विशेष ध्यान देना ही है, लेकिन कोई ऐसा काम करें जैसे कि मतलब प्रयास करें कि उसमें आप टॉयलेट वगैरह का इस्तेमाल न करें, आप प्रयास करें कि वाणी को नियंत्रण में रखें, आप प्रयास करें कि कोई आपसे कोई अपशब्द ना होने पाए, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, वहाँ आपके यहाँ दिन है, तो उस समय भी आप इस समय को विशेष में ध्यान रखें और यहाँ पर जहाँ तक हो सके आप अपनी बुद्धि को धर्म कर्म में बनाएं, आप वाणी विचार नेत्र क्रोध मन सबको नियंत्रण में रखते हुए तरीके से उस समय को थोड़ा बिताएं, क्योंकि इसका फल कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा काम न करें जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में कोई कष्ट उठाना पड़े, कोई दुख उठाना पड़े। महिलाएं गर्भवती हैं, अब उस समय कई बार देखते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसके माध्यम से कोई दिक्कतें आपको होती हैं। बच्चा गर्भ में है, अब उसमें आपने कोई सब्जी काट ली या कोई काम ऐसा कर लिया, तो बच्चा जब बच्चे का जन्म होता है तो आप देखते हैं ओठ कटा होता है, कान कटे होते हैं, चेहरे पर निशान होते हैं, कान कटा हुआ था, ये ग्रहण के ही लक्षण होते हैं। आप बेशक उसको ज़्यादा जानकारी हो तो भी, नहीं जानकारी है तो भी, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आपको ज्ञान हो या ना हो लेकिन गलती आपसे हुई है तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं से आने वाले फ्यूचर में उसको देखने को मिल जाता है। तो ये सब विशेष सावधानियां, इसको आप बहुत ध्यान से करें और रखें, ध्यान रखें। जी, एक चीज और आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लोग सुनते हैं जैसे कि चंद्र ग्रहण लग गया है तो लोगों की इच्छा होती है देखने की कि हम देखें कि आखिर कैसे दिखाई देता है चंद्र ग्रहण, तो इसको लेकर आप बताएं कि देखना वैसे तो शुभ नहीं होता है लेकिन बावजूद इसके अगर कोई देखने की इच्छा रखता है तो वो क्या करें? हाँ बिल्कुल, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, अगर कोई देखना चाहता है तो, वैसे तो पंचांग में लिखा हुआ कि विशेष रूप से दिखाई नहीं देगा क्योंकि 5% है, बहुत ध्यान से देखने पर आपको कहीं हल्का सा नजर आएगा, लेकिन अगर आप दूरबीन से या कोई ऐसे यंत्र से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको कोई विशेष इसका असर नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप देखते हैं तो कोई काला हल्का काला शीशा हो, चश्मा हो तो आप उससे प्रयोग करें इसका, या बेल्डिंग का जो शीशा होता है उससे भी आप उसको देख सकते हैं, लेकिन दूरबीन से ही दिखाई देगा, बिना दूरबीन के दिखाई देने वाला नहीं है क्योंकि बहुत हल्का सा है और चंद्रमा भी हल्का ही मलिन होगा। तो प्रयास करें कि हाँ न देखें, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर देखने की इच्छा है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
जी, एक चीज और, लोग कहते हैं कि जैसे खान पान में तुलसी के पत्ते को अगर डाल दिया जाता है तो इस पर ग्रहण का कोई असर नहीं होता है, आराम से खाया पिया जा सकता है, लेकिन इन सबके भी जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि आखिर क्या कुछ हम करें क्या ना करें, उन्हें कैसे बचाया जाएगा इस ग्रहण से? बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चे, बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो भगवान स्वरूप होते हैं, इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। बिल्कुल, तो माता पिता देवता के रूप में होते हैं। मैं तो उन माता पिता से यही निवेदन करता हूँ, उस ग्रहण के समय में, बेशक आंशिक है लेकिन ग्रहण के समय में, बच्चों को थोड़ा सा प्रयास करें कि बाहर न निकलने दें, और उस समय अगर हो सके तो, अगर बच्चे विद्यार्थी का जीवन है, पढ़ लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई उनसे करवाएं, और खान पान की रही बात, तो खान पान के समय ग्रहण से पहले ही उनको कुछ, जो भी उनको खाना पीना है वो आप पहले खाना पीना उनको दे दें, खिला पिलाने। वैसे मध्य रात्रि भारत के अनुसार तो रात्रि के में ग्रहण है, और 10:38 का समय, उससे पहले भोजन पानी को सुकरा दें, और प्रयास ये करें कि ग्रहण के उस समय में कुछ भी ना खाएं ना पिएं, और सावधानी बहुत बढ़ते हैं, जैसे कि मतलब महिलाओं को, बच्चों को भी कुछ काटने पीटने का और लेटने का सोने का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आंशिक तो है ही, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जी, एक चीज़ और आचार्य जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण है, इसको लेकर हर कोई चाहेगा कि इससे वो बचे, तो दान अगर करना हो तो क्या कुछ दान दें ताकि बचा जा सके इस ग्रहण से और ये ग्रहण उतना अशुभ ना हो? देखिए, कहते हैं कि मुखड़ा, चेहरा जो होता है सबसे संपूर्ण होता है, और चेहरे से ही सब कुछ, सारी जो आकर्षक चीज़ें होती हैं चेहरे से ही होती हैं। तो यहाँ पर वर्ष का जो मुख्य है वो जनवरी का महीना है, और साल का प्रथम पहला चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा हमारे मन से कनेक्टिविटी रखता है, अगर ज्योतिष में देखा जाए तो चंद्रमा को ही, उसकी डिग्री देख करके बताया जा सकता है कि बच्चा या बूढ़ा जवान जो भी इमोशनल है, किस प्रवृत्ति का है, कैसा है, ये चंद्रमा की सारी क्रियाएं होती हैं, चंद्रमा की सारी कलाएं होती हैं, चंद्रमा हमारा मन होता है। मन हमारा अच्छा रहे, विचार हमारे अच्छे रहें, जीवन हमारा अच्छा बीते, ये वर्ष भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा बीते, इसके लिए आपको जो है चंद्रमा, इस चंद्र ग्रहण को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चंद्र ग्रहण में जो भी सावधानी मैंने आपको बताई है, उस सावधानियों को भी उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। एक चीज और कुछ आप बता रहे थे भी, जी, जैसे कि कुछ बता रहे थे भी आप, बताएं एक बार दोबारा। बिल्कुल, मैं जी यही कह रही थी आपसे कि जिस तरीके से देखा जाता है चंद्र ग्रह, साल का पहला चंद्र ग्रहण है, तो उसको लेकर लगातार लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कुछ दान किया जाए जिससे इसका असर ना हो खुद पर, और इससे खास तौर पर बचा जा सके ग्रहण से। हाँ, अब दान की अगर बात करते हैं तो दान में चंद्रमा का जो रंग है ज्योतिष में, वो श्वेत रंग है, सफेद रंग है, तो सफेद रंग के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो आप चावल का दान कर सकते हैं, शंख का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, और इसमें कुछ अगर सफेद सब्जियां हैं तो उनको भी देख करके तरीके से उनका भी दान कर सकते हैं, और ध्यान रखें कि दान की गई चीजें जो भी हैं उपयोगी मात्रा में हो, और शास्त्र का विधान भी है कि एन केन भी देने दान करे कल्याण, तो उसको जितना भी मात्रा में, अधिक से अधिक, कम से कम, जितनी मात्रा में कर सके तो अच्छा है। दूसरी बात, जनवरी का और ठंड के मौसम का ये चंद्र ग्रहण है, तो इस समय आप वस्त्र दान भी कर सकते हैं, वस्त्र दान का भी बड़ा अच्छा महत्व माना जाता है। लगातार साल का पहला चंद्र ग्रहण और इसको लेकर आपके मन में कई सारे सवाल है, इसी के साथ आचार्य जी आगे भी हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर राशियों के हिसाब से उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का। बिल्कुल, 12 राशियां हैं, 12 राशियों का अपना अपना प्रभाव है, और इस आंशिक उपछाया चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगर बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का विशेष दुष्प्रभाव तो नहीं है, और इससे बचने के लिए विशेषकर आपको मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए, और जो कि आपके मेष राशि के स्वामी मंगल आपके अधिपति हैं, और मंगल के जाप करने से आपके लिए विशेष मानसिक शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, और जो मंगल का मूल मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। बात करते हैं हम वृष राशि की, वृष राशि वालों के चंद्र ग्रहण ये विशेष अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बुरा भी नहीं है, मध्यम श्रेणी में है, आपकी राशि पर चंद्रग्रहण का दुष्प्रभाव हो सकता है, इसलिए आप विशेष रूप से ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम सौं सोमाय नमः, और ग्रहण के खत्म होने के बाद सफेद वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि के लिए चंद्रमा खुद विराजित है इसी राशि पर, राहु के साथ में होने से ग्रहण दोष की स्थिति बना रहे हैं, इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए खासकर कोई भी ग्रहण के मुख्य समय टाइम पर कुछ चीज़ काटनी पीटनी नहीं चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और विशेष चाकू से कटी हुई चीज़ों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो फल खाना हो, सब्जी खाना हो, उस दिन तो आपको इससे परहेज करना चाहिए। ग्रहण के बाद दूध, दही, घी या काले उड़द का दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और बात करते हैं हम कर्क राशि की, कर्क राशि वालों के लिए
चंद्रमा और ग्रहण अधिक प्रभावशाली तो नहीं रहेगा, फिर भी आपको अपने घर से निकलते वक्त माता पिता का आशीर्वाद लेना है, सूतक का ध्यान रखना है और आपके जो इष्ट देवता हैं जिनको भी आप मन से पूजते हैं, मानते हैं, ध्यान रखते हैं, उन इष्ट देवता की आप पूजा करेंगे तो ग्रहण का जो दोष है वह आपके ऊपर नहीं लगेगा। बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण की अवधि के दौरान आपको कोई भी ऐसा जो है अनावश्यक काम नहीं करना है, आपको बड़ा सावधान रहना है अपने आप में और ग्रहण को आपको नहीं देखना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अगले दिन उस रात्रि के बाद अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना है, चंद्रदेव की पूजा करनी है और ओम घृण सूर्याय नमः, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं इसलिए इस मंत्र का जप आपको जरूर करना है। और अगर आप सट्टा या लॉटरी लगाते हैं तो आप इस दिन बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए खतरनाक बन सकता है। बात करते हैं हम कन्या राशि की। आपकी राशि पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आपकी राशि पड़ेगा। आपके जो घर में या परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो आप उसके लिए एक नारियल घर में निकाल के रख दें, आपके लिए उपाय है, और ये नारियल कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य के बाद में हनुमान जी को चढ़ा दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके तुला राशि वालों के लिए। जिनकी तुला राशि है उन लोगों के लिए ग्रहण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर ग्रहण का कोई नकारात्मक दोष देखने में नज़र नहीं आता है। और सूतक के दौरान कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, खान पान का ध्यान और जो भी आपके इष्ट देवता उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। और इस दिन आपको लाल वस्तुओं का जैसे कि अनार का फल हो गया या कोई लाल दालें हो गई लक्ष्मी जी के मंदिर में ग्रहण के बाद आपको जो है दान करना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जिनकी वृश्चिक राशि उनकी चंद्रग्रहण ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी उपज छाया ग्रहण है और वृश्चिक राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल देव होते हैं, इसलिए आपको हनुमान जी की पूजा ग्रहण के मध्यकाल में आपको जरूर करनी चाहिए और मंगल के मंत्रों का जप या फिर हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा, कल्याणकारी होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु आपसे दूर जाएंगे और उस दिन अगर मूंगा पहनना चाहते हैं तो मूंगा की सिद्धि आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं हम धनुराशि की। जो धनुराशि वाले लोग हैं यहाँ पर चंद्रमा की सातवीं दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए ग्रहण जो लगने वाला है, ग्रहण चंद्रमा पर ग्रहण है इसलिए ये आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकता है। और दूसरी बात कि अभी शनिदेव का प्रभाव भी आपकी राशि पर चल रहा है तो इसलिए अपने बड़े ध्यान से आपको रहना चाहिए। आपकी राशि में शनि, केतु, गुरु, सूर्य और बुध ये सभी ग्रह आपके राशि में ही विराजमान हैं तो इन ग्रहों पर भी विशेष दुष्प्रभाव न पड़े और ये ग्रह भी आपको पावर दे सकें, इसलिए आपको गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, यानी बृहस्पति की पूजा करना या फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आपके लिए अच्छी रहेगी। इनके मंत्रों का जप अच्छा रहेगा लेकिन पूजा के ग्रहण के बाद ही पूजा करें, ग्रहण के मध्य में पूजा न करें, लेकिन इसमें आप जप कर सकते हैं भगवान विष्णु के मंत्रों का। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जो जिनकी मकर राशि है उनके लिए इस ग्रहण का कोई छोटा मोटा दुष्प्रभाव दिख सकता है, लेकिन अगर आप इष्ट की पूजा करते हैं, शनिदेव की पूजा आराधना आप करते हैं ग्रहण के मुख्य समय में, शनि के देव के मंत्रों का जप करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको ग्रहण के मध्य में ही एक छाया पात्र का दान जरूर करना चाहिए, यानी कांसे की या स्टील की कटोरी हो उसमें सरसों का तेल डालें, एक रुपये का सिक्का डालें, अपने चेहरे को देखें, परिवार में भी सबको दिखाएं, इसके बाद में उस कटोरी को कहीं अलग रख दें, अगले दिन उसको शनि मंदिर में जरूर चढ़ा दें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं जिनकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों का स्वामी भी शनि है और शुक्र ग्रह आपके राशि में विराजमान इस समय हो रहे हैं। चंद्रमा का जो ग्रहण लग रहा है, शुक्र और चंद्र का दोष भी आपकी राशि पर उत्पन्न होता है, इसलिए आपको इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए दुर्गा माँ के नौ रूपों की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। दस महाविद्या के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में जीवन में आ रही समस्याओं का इस पूजा से समाधान अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें मूर्ति पूजा नहीं करके मंत्र का जप ही करना है। अब हम बात करते हैं भचक्र की बारहवीं राशि यानी मीन राशि की। आपके राशि पर ग्रहण का दुष्प्रभाव मध्यम श्रेणी में देखने को मिलेगा, यानी सकारात्मक प्रभाव भी आपको मिल रहा है और थोड़ा सा नकारात्मक भी आपको प्रभाव मिल रहा है। आज आपको पीला अनाज या पीला वस्त्र का दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लग्नेश शक्तिशाली रहेंगे, आपकी राशि शक्तिशाली रहेंगे, इसलिए उसके लिए आपको पीली वस्तुओं का दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में शत्रुओं जो भी प्रबलता उनकी होगी वो जो है दुर्बल होंगे और साथ में आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं, जो काम आपके रुक रहे हैं, कामों में रुकावट आ रही है, ये काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों ये रहा आपका राशिफल, इसके माध्यम से जो उपाय बताए गए उसको करेंगे, अच्छा लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ आचार्य जी एक ऐसा कोई मूल मंत्र बता दीजिए जिसके उच्चारण से आज कहीं ना कहीं दिन जो है वो शुभ जाए। बिल्कुल, मूल मंत्र है एकाक्षरी मंत्र है और चंद्रदेव का ही मंत्र है, मंत्र आप नोट करेंगे, ओम सोम सोमाय नमः,
ये बीज मंत्र है चंद्र देवता का, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक और कम से कम 108 बार, अधिक से अधिक जितना भी आप जप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फलदायक लाभदायक रहेगा। ध्यान रखें कि मंत्र के बीच में आसन लेकर के पूजा जरूर की जाती है, बिना आसन की पूजा नहीं की जाती। आसन भी सफ़ेद रंग का हो या पीले रंग का हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये कुछ अहम बातें थी जो आचार्य जी ने कही आपको चंद्र ग्रहण से जुड़ी, और इसी के साथ क्या करें क्या ना करें, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान दें, ये भी आपको बताया। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।